नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ देव और आप सबका स्वागत करता हूँ ऑल अबाउट पेट्स में। और आज थोड़ी दुख की बात है क्योंकि जो मेरा वाइट वाला ज़ेब्रा फिंच आपको दिख रहा है, इसके पाँव में चोट लग गई है। मतलब इसके पाँव में कटिंग कट नहीं लगी है, मतलब इसका खून वून नहीं बह रहा, लेकिन पता नहीं इसको क्या हुआ, ये ढंग से चल नहीं पा रहा है। शायद इसका पाँव कहीं केज में फंस गया हो गया, कुछ ऐसे ही कुछ हुआ है। इसके लेफ्ट वाले पाँव पर चोट लगी है और अपने लेफ्ट वाले पंजे पर वो नहीं बैठ पा रहा है। मैं आपको अभी दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये अपने राइट वाले पंजों पर वजन दे के बैठता है और खड़ा होता है और ढंग से इससे चला नहीं जा रहा। और मतलब मैं क्या बताऊँ, इसके लेफ्ट वाले पाँव में मुझे पता ही नहीं इसको कैसे चोट लगी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देख, जैसे कि आप देख सकते हैं, राइट साइड वो झुक के बैठा है और लेफ्ट वाले को ज़्यादा मतलब बाहर नहीं डाल पा रहा, ठीक है। लेफ्ट वाले पंजों के ऊपर नहीं बैठ पा रहा है मेरा बर्ड। खैर, अब देखते हैं उसको पकड़ के और इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और थोड़े दिनों बाद जब ये ठीक हो जाएगा तो जो इसकी प्रोग्रेस है तो मैं ज़रूर आप सबसे शेयर करूँगा। तो भाई, शाम का टाइम है और मेरे साथ वीडियो बनाने वाला कोई नहीं है, तो मैं अकेले ही वीडियो बना रहा हूँ एक हाथ से। अब मैंने अपना जो कैमरा है वो रख दिया अपने इसके केज के ऊपर, और अगर वीडियो अच्छी नहीं बन रही है तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप जैसे देख सकते हैं कि इसके लेफ़्ट वाले पाँव पर लगी है और अपने इस वाले पाँव से कोई हरकत ही नहीं दिखा रहा, वो मतलब एकदम ढीला पड़ा हुआ है। जबकि अगर मैं इसके राइट वाले पाँव को टच करूँ तो आप देखेंगे कि अपने राइट वाले पाँव से ये हरकत कर रहा है, मतलब मेरे उंगली को पकड़ रहा है। लेकिन अगर मैं लेफ़्ट वाले पाँव पे जाऊँ तो ये बिल्कुल नहीं पकड़ रहा, ठीक है, कोई हरकत नहीं दिखा रहा है। तो खैर, ऐसे अगर आपके बर्ड्स के साथ हो, चाहे बदीज़ हो चाहे कोई सा भी बर्ड हो, अगर उसके पाँव पर चोट लग जाती है और उसके पाँव से कोई खून वून नहीं निकल रहा है, तो आप क्या करें, आपके पास घर पे जैसे मूव होता है या फिर आयोडेक्स होता है या फिर वॉलिनी, कुछ भी जेल होता है आपके पास, पेन रिलीफ जेल जो होता है, वो आप लगा सकते हैं। मेरे पास फ़िलहाल वॉलिनी है तो आज मैं इसको यही लगाऊंगा और दो तीन दिन लगा के देखते तो शायद ये ठीक हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसको लगाते हैं और इसको मैं ढंग से मसाज कर दूँगा ताकि जो पूरा का पूरा जो वॉलिनी है, जो पूरा जेल है, इसका पाँव सोख कर ले और अपने पाँव को ही ज़्यादा परेशान ना कर पाए। गाइज, आपको जेल लगाते टाइम ध्यान ये रखना है, आपको जेल एकदम थोड़ा सा लेना है जितना मैंने लिया है, ठीक है। और इसके पाँव पे जब आप लगाएं तो आपको ध्यान ये रखना है कि इसके पाँव को आप ज़्यादा ज़ोर से दबा ना दें, मतलब आपको लगा के धीरे धीरे जेंटली मसाज करना है। मसाज करना ठीक है, जेंटली मसाज करना ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो ये भी हो सकता है कि इसके पाँव का जो दर्द है वो ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि काफ़ी छोटी बर्ड है ये, और आप जितना फोर्स लगाएंगे तो हो सकता है कि इसका पाँव और ज़्यादा ख़राब ही हो जाए, मतलब ये कभी चलने के लायक ही ना बचे, ठीक है। तो आप और आपको ऐसे लगाना है क्रीम को जिससे पूरा सोक कर जाए क्रीम, ठीक है। तो गाइज, अभी चार दिन बाद आप इसको देख सकते हैं कि हमने चार दिन इसका ट्रीटमेंट किया, चार दिन इसको मैंने वॉलिनी लगाया सुबह और शाम को दो दो टाइम, और आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कि इसके पाँव एकदम ठीक हो गए। एकदम तो ठीक नहीं हुआ, मतलब काफ़ी ठीक हो गया, 90% एकदम ठीक हो गई है, उछल सकती है, बैठ सकती है, घूम सकती है और चल फिर रही है एकदम आराम से। थोड़ा सा दर्द है इसके लेफ्ट वाले पाँव में, बट ये काफ़ी ज़्यादा ठीक हो गई है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके भी बर्ड के साथ ऐसा हुआ है तो आप भी कोई भी जेल लगा सकते हैं जिससे इनको, अगर आपके पास वॉलिंग ही नहीं है तो आप आयोडेक्स भी लगा सकते हैं, अमित रंजन आता है वो भी लगा सकते हैं, मूव लगा सकते हैं, कोई भी आप जो है ये प्रोडक्ट लगा सकते हैं और आपका बर्ड जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन से वीडियोज़ और चाहिए, कौन से न्यू टॉपिक्स पे, और देखते रहिए ऑल अबाउट पेट्स। थैंक यू।